दैनिक समाचार पत्र दैनिक सत्ता सुधार ने भोपाल संस्करण के 3 वर्ष पूर्ण होने पर भव्य समारोह किया। इस समारोह में संगीत संध्या का आयोजन किया गया। खबर के हर पहलू पर अपनी तीखी नजर रखने वाले अखबार सत्ता सुधार ने भोपाल संस्करण के 3 वर्ष सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिए हैं। इस उपलक्ष में चेयरमैन गोपाल श्रीवास्तव ने संगीत संध्या का आयोजन किया। इस आयोजन में प्रदेश के पत्रकार नेता व अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विश्वास सारंग को सत्ता सुधार परिवार की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इस समारोह में पीआईबी के अपर महानिदेशक प्रशांत पाठराव, जनसंपर्क विभाग के अपर संचालक HL चौधरी और CK सिसोदिया और माध्यम के पुष्पेंद्र पाल सिंह विशेष रूप से मौजूद थे। प्रसिद्ध गायक सुनील शुक्रवारी ने इस मौके पर बेहतरीन गीतों से समा बांध दिया। ये सब हमारे साथ जो लोग काम करते हैं उन सबकी जीत है भैया, और आज तक जो आगे अपन संघर्ष कर रहे हैं सब लोग कर रहे हैं भैया, वो सारी चीज़ें हैं वो सब आप लोगों के सहयोग से ही पूरे होती हैं भैया हैं। और 20 साल से हम लोग संघर्ष कर करते ग्वालियर से CP, दतिया, शोपुर, भिंड, लखपुर, झांसी एंड लखनऊ, रायपुर सबसे होते हुए आज भोपाल में 3 साल पूरे हुए हैं। दैनिक सत्ता सुधार हमारा प्रमुख हिंदी समाचार पत्र है। 1998 में इसके संस्थापक श्री गोपाल श्रीवास्तव ने इसकी शुरुआत की थी ग्वालियर शहर से। ग्वालियर के बाद ये धीरे धीरे इसका सफर तय हुआ और तय करते हुए हम आज भोपाल में 2017 में हमने इसको लॉन्च किया था, और 2017 से आज 2020 में इसको 3 साल पूरे हो चुके हैं। और आज ही का वो दिन है जिस दिन हमने सत्ता सुधार को भोपाल राजधानी में 3 साल कंप्लीट किए। और हमारी जो खबरों का लेआउट है वो 16 पेज का कलर अखबार है, और हमारा सिर्फ उद्देश्य जनता के साथ, जनता की आवाज़ और जनता के हित के लिए कार्य करना है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक में।